बद्दी के बरोटीवाला में हेलीपैड के विस्तार को लेकर रखी गई निशानदेही के विरोध में बरोटीवाला व सात लगती लगभग 9 पंचायतों के जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आलम यह रहा कि राजस्व विभाग की टीम को बिना निशानदेही के ही वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से बरोटीवाला में हेलीपैड के विस्तार को लेकर सरकार के आदेशानुसार राजस्व विभाग अपनी कार्यवाही कर रहा था। जैसे इसकी सूचना स्थानीय पंचायतों व सामाजिक संस्थाओं को लगा तो उन्होंने बरोटीवाला ग्राउंड में पहुंचकर इसका विरोध किया व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस पंचायतों के लोगों ने सरकार को चेताया कि अगर लोगों के विरोध के बावजूद यहां हेलीपैड का विस्तार किया गया तो सभी पंचायतें सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी व विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करेगी। अरे हमारे पास बरोटीवाला में बस एक ही ग्राउंड है जो 6-7 पंचायतों के बच्चों को खेलने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी आज जो है निशानदेही रखी थी यहाँ पर। पिछली बार जब हमारी मेरी और रवि शर्मा जी की मुलाकात हुई थी डीसी साहब से, डीसी साहब के थ्रू ही हमने ज्ञापन दिया था सीएम साहब को। श्रीकांत जी थे शर्मा जी हमारे, ज्ञापन दिया था हमने सीएम साहब को, तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था उस वक्त कि हम इसका आगे अधिग्रहण नहीं करेंगे और ये ग्राउंड को स्टेडियम बनाने की कोशिश बनाएंगे। लेकिन वो अभी हमारे को कल ही पता चला इसके बारे में कि इसकी निशानदेही ग्राउंड को आगे भी कवर कर रहे हैं। जनता का इसमें बहुत ही विरोध है। अगर ये सरकार इस चीज़ को वापस नहीं लेती है तो पूरी जनता जो 6-7 पंचायतों के लोग हैं इसका पुरजोर विरोध करेंगे। लोग सड़कों पर उतरेंगे और सरकार को फिर वो स्थिति संभालनी मुश्किल हो जाएगी। चुनाव का समय है। सरकार से हमारा निवेदन है कि वो इस घोषणा को अपनी, इस जो हेलीपैड को आगे बढ़ाने का इनका विचार है उसको कैंसिल करके इस ग्राउंड को जल्दी से जल्दी स्टेडियम बनाने की घोषणा करें। पंचायत तो मैंने आपको बता ही दिया है कि फिर वो सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएगी। हमारे पास तो यही ग्राउंड है ना, ये आर्मी की भर्ती हो चाहे कुछ गेम्स हो खेले हो, सभी यहाँ पर 6-7 पंचायतों की जो गेम्स होती है वो यहीं पर आकर ही होती हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल की गेम्स यहाँ पर होती रही हैं। कबड्डी के टूर्नामेंट होते हैं वहाँ पर, पीछे आप देख पाओगे कि पीछे कबड्डी का स्टेडियम भी बनाया, बैठने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पर बढ़िया। फुटबॉल के फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, वो सब यहीं पर होते हैं। अगर सरकार हमारी है मांग को नहीं मानती है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे और फिर इसका नतीजा उनको चुनावों में भुगतना पड़ेगा। ऐसा है कि जो आज ये यहाँ पे हमारी संस्था इकट्ठी हुई है, इलाकावासी इकट्ठे हुए हैं और ये इसके लिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमारा ये बहुत प्राचीन ग्राउंड है, इसको बरोटीवाला का स्कूल भी जो है अपनी जो खेल प्रतिक्रियाएँ होती हैं उसके लिए इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। यहाँ के जो जितने भी छोटे युवा हैं जिनको ये गुरुराम जी हैं, प्रधान जी हैं और यहाँ और जो जितने लोग हमारे खड़े हुए हैं, इन लोगों के एफर्ट्स लगे हुए हैं पूरी उम्र के यहाँ पे कि वो उन लोगों को मात्र यहाँ से नशे से दूर करना चाह रहे हैं। एकमात्र अगर ये ग्राउंड भी चला जाएगा यहाँ से तो फिर यहाँ पर ये नशे पर कंट्रोल क्या होगा। एक तरफ सरकार बोलती है कि जी हम नशे को ख़त्म कर रहे हैं, नशे को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है। जब लोगों ने एक बार अपना जो आधे से ज़्यादा 50% ग्राउंड छोड़ दिया है, उसका बलिदान कर दिया है, हेलीपैड के लिए जगह प्रॉपर है, सब कुछ है यहाँ पे, सब सीएम निवास में लोग बैठ सकते हैं, सब कुछ करने के लिए सुविधा है, तो आज हमारा ये सरकार से निवेदन है कि वो यहाँ पे क्यों इन्हीं इस इलाके में इतनी सारा कुछ छोड़ के पीछे बग्गूवाला के प्रधान जी ने 150 बीघे देने का इनको किया है कि वहाँ पर हमारे यहाँ जगह खाली है आप वहाँ पर करें। तो हमारा यहाँ के इलाका वासियों का सरकार से ये सवाल है कि वो इसका क्यों सिर्फ इसी ग्राउंड के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि यहाँ पे नशों से दूर करने के लिए गुरुराम जी हैं, इन्होंने अपनी जेब से कम लाखों रुपया लगाया है। कबड्डी टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं और कितनी क्रियाएँ होती हैं हमारे यहाँ, उसके बावजूद भी सरकार यहाँ आके हर तीसरे दिन डिमार्केशन करती है। मैं खुद जाके पर्सनली गुरुराम जी के साथ, डीसी साहब थे या चमन जी, उनके साथ मिले हैं हम जाके। उन्होंने बिल्कुल कहा था कि ये ग्राउंड हम नहीं बनाएंगे, इससे आगे हम अधिग्रहण नहीं करेंगे अगर यहाँ के लोगों का विरोध है। लेकिन आज जब लोग नहीं चाहते हैं, पब्लिक नहीं चाहती है, तो लोगों के जब विरोध हो गए सरकार क्यों चल रही है। तो हमारे प्रधान जी भी है, हमारा सबके सामने इनसे निवेदन है कि इसके लिए आप एक पंचायत में रेजोल्यूशन पास करें, हम इस ग्राउंड का जो अधिकरण का पुरजोर विरोध करते हैं, अन्यथा जो पब्लिक है यहाँ का माहौल सरकार संभाल नहीं पाएगी। धन्यवाद। हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारा ग्राउंड जो है यथास्थिति में रहना चाहिए। यहाँ पर हमारे ग्राउंड के स्कूल के टूर्नामेंट भी लगते हैं और बाहर के भी स्कूल आते हैं यहाँ, और ये हमारे बच्चों के लिए इससे अलावा कोई खेलने के लिए जगह ही नहीं है। जब जब गवर्नमेंट खेलों को इतना प्रोत्साहन दे रही तो हमारे ग्राउंड क्यों छीन रहे हैं।
इसलिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे ग्राउंड को यथास्थिति में स्कूल के अंडर या पंचायत के अंडर किया जाए, इससे इसकी चार छोरे बाउंड्री वॉल हो और इसका देख रेख पूरी हिसाब से किया जाए। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स।